ये देखें जी, बड़ी बड़ी छलांगें लगा रहे हैं। ओए, बादलों में से होके गुजर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। ये तोली पीर का पूरा नजारा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नए ब्लॉग में आपका वेलकम है। इस वक्त आपका भाई मौजूद है जी बंजोसा लेक में, बंजोसा झील, जहाँ पे लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कि मैं आया हुआ था। यहाँ से आगे जाने का प्रोग्राम है जी तोली पीर जाने का प्रोग्राम है, और यहाँ से तकरीबन तोली पीर लगेगा एक घंटा में। एक घंटे में हम पहुँच जाएंगे। बाइक मेरी वो पार्क है और नुमान वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, और बगैर टाइम जाए कि ये निकलते हैं, क्योंकि बारिश का पता नहीं है। इन इलाकों में बारिश फटाफट से आती है और फटाफट से चली भी जाती है। मैं यहाँ पे मिले हैं कि बंदर, और बंदर वो भाग के सड़क पार कर रहे हैं। एक जी ऊपर है वो देखें जी, बैठे हुए जी ऊपर बंदर नजर आए हैं। इसी तरह से नीचे भी हैं, वो दरख्तों पे छलांगे लगा रहे हैं जी। ये जा रहे हैं सारे गट्ठे, देखें काफी सारे बंदर हैं। ये देखें जी, बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहे हैं। ओए, इस तरह के सफेद बंदर मैंने पहली बार देखे हैं। वो ब्राउन ब्राउन जो है ना, वो देखे हैं जंगली, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। चलो जी आगे चलते हैं। बादलों में से होके गुजर रहे हैं। अभी इस वक्त दिन के 4 बजे हैं, पिछला टाइम है, और ये बादल जो है ना दोनों पे गहरे हो गए हैं। यहाँ पर भी हमारे आने से पहले बारिश हो चुकी है। तोली पीर पहुंच गए हैं। बाइक अपना जो है ना यहाँ पे मैंने पार्क किया है, और बादल बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, और आते हुए बारिश भी पड़ी है और थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। पार्किंग काफ़ी मैसिव है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, और काफ़ी आवाम आई हुई है। अभी जी यहाँ से शुरू होगी हमारी हाइक। आज अनुमान इस साइड से हमारी हाइक शुरू होगी, और काफ़ी आधे घंटे का पैदल सफ़र है यहाँ से होगी जी। यहाँ से हो सकता है हमारे पहुँचने तक बादल छट जाएं थोड़े से, ताकि हम व्यू ले सकें, थोड़े एंजॉय कर सकें। तो हाइक हमारी स्टार्ट हो गई है, बाइक वहाँ पार्क करके ना, ये हाइक है, और कुछ लोग यहाँ से जाते हैं, हमने ये वाला रास्ता लिया है। आधा घंटा लगेगा, आधा घंटे बाद जाके हम एग्जैक्ट तोली पीर मीडोज पहुँच जाएंगे। आज एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है कि रास्ते में बंदर मिले हैं और जंगली कौवे। गाइस और ऊंचाई पे पहुंच आए हैं, वहाँ पार्किंग है। अभी देखें बादल कितने ज़्यादा हैं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इस रास्ते से हम आए और आगे जाएंगे। आज ये वो घोड़े हैं जिन पे आप जा सकते हो अगर आपको चलना नहीं पसंद।
मज़े से ना ये घास खा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी ना बारिश के बाद घास साफ सुथरा हो चुका है और मज़े ले रहे हैं। खैर जी, आगे फिर से बादल आ गए, लेकिन खैर देखते हैं हम कितना आगे जा सकते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं तोली पीर सरकार की ज़ियारत पे, जो जिस पहाड़ पे हम हाइक करके आए हैं आधे घंटे की। ये पहाड़ बेसिकली तोली पीर के नाम से इसलिए मशहूर है कि यहाँ पे तोली पीर सरकार की ज़ियारत मौजूद है। ये चार भाई थे और एक बहन थी, और इसी तरह के और भी पहाड़ हैं। बाकी जो पहाड़ है वो तोली पीर के भाइयों के नाम से, यानी कि मैं हाजी पीर, दूसरे का सर पीर, तीसरे का रिजा पीर, एक पहाड़ उनकी बहन कंठी पीर के नाम से मशहूर है, तो इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। ये जी इनकी ज़ियारत है, ठीक है। और ये अफगानिस्तान से आए थे तकरीबन 400 साल पहले, और यहाँ पे क्याम किया, कहते हैं यहीं पे इन्होंने चिला किया, यहीं पे इबादत की। और इस साइड पे ये मीडर है तोली पीर की, ये आप देख सकते हैं, आवाम सब तरफ फैली है। मौसम क्लियर नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं नज़र आ सकता, लेकिन अगर थोड़ा सा मौसम क्लियर हुआ तो दूर दूर तक नज़र आएगा। ये जगह रेकमेंड है, अगर आप फैमिली के साथ आएँ तो ये जगह घूमने फिरने वाली है। आधे घंटे की हाइक है मुकम्मल चढ़ाई, और काफ़ी दूर से हम आएँ और मुझे पसीना आ गया, और यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है जी 3-4 फुट तकरीबन, शायद ज़्यादा ही पड़ती होगी। अभी हम जाते हैं उस साइड पर नीचे, तो आगे का माहौल शुलझुल आपको दिखाते हैं। कह रहे हैं कि बारिश यहाँ पे सुबह से लगी हुई थी, अभी मौसम थोड़ा सा क्लियर हुआ था, लेकिन अभी फिर से ना धुंध आ गई है। लेकिन जी बड़ा ना इनक्रेडिबल सा मौसम है एकदम से, अभी है ना फिर से यहाँ पे बादल आ रहे हैं, लोग सब तरफ फैले, आवाम फैली हुई है, लेकिन बादलों में घूम है सारे। ये हमें देख रही है जो हम इसे देख रहे हैं, लेकिन जी घास बड़ा कमाल का है। हमने चलते चलते वहां से आए हैं आगे इस साइड नीचे वाले साइड पे, तो ये देख रही है जी गौर से। तो बिल्कुल लास्ट में पहुंच आए हैं, ये इसका डेड एंड है, ठीक है। यहाँ से सीधी नीचे स्टीप खाई टाइप है, ठीक है, और यहाँ से अब चलेंगे हम वापस ऊपर, और वहाँ से होते हुए उस पहाड़ से 2-3-4 स्टेप लेके नीचे पहुँचेंगे, और आधा घंटा 40 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से चढ़ाई है काफ़ी। ढलान में हम बड़ी तेज़ी से आए हैं, अभी भी हवा आ रही है, क्योंकि ये घूमने वाली जगह ऐसी है कि सारा दिन इधर घूमते रहो, ये जगह नहीं ख़त्म होती, और बड़ा मुझे ना मज़ा आया काफ़ी टाइम के बाद कि एक ऐसी वाओ जगह मिली है। तो एक चीज़ रिकमेंड है कि अगर आप यहाँ पे आएँ तो बूट ना पहन के आएँ, ये जॉगर्स ना पहन के आएँ, सादी चप्पलें पहन के आएँ, जो आप घर में पहनते हैं या रूटीन वाइज पहनते हैं बाहर अंदर आते जाते, बड़ा मज़ा आएगा आपको यहाँ पे चलने का। ये देखें ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। आज ना हनुमान भी थक गया, थक गया हनुमान है, कहता जी थक गए। तो आज किस्मत ने इतना ज़्यादा साथ नहीं दिया कि मौसम ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बड़ा मज़ा आया। अभी भी ज़्यादा ना ठंड काफ़ी है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और धूप यहाँ पे अभी ऊपर, ठीक है। अभी वापसी के लिए तैयारी है और हम उतर रहे हैं, और एक चीज़ ऐसी है कि आपको यहाँ पर खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। आर जो है ना 100-200 कदम पे ना एक इस तरह का खोखा है, शॉप है, जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, फ्रेश चिकन मिलेगा। रास्ते में पहुंची और अभी जाके ना मौसम क्लियर होना शुरू हुआ है, बादल नीचे जा रहे हैं, वहाँ से बादल पीछे से अभी भी आ रहे हैं, ये जा रहे हैं जी आगे नीचे,
नीचे वाले पहाड़ों पे, और अभी आसमान यहाँ से क्लियर होना शुरू हो गया। ये तोली पीर का पूरा नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। अभी निकले हैं, बाइक ये पार्क की है, जो पार्किंग है ना, पार्किंग से नीचे यहाँ पे झूले वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है बच्चों के लिए, ये अच्छा निज़ाम है, लेकिन गंद बहुत डाला हुआ है। एक तो अपनी पब्लिक भी इसी तरह की है, और से गवर्नमेंट के जो मुलाजिम है वो भी सुभान अल्लाह, सफाई का बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं है। खैर जी, इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, धूप नहीं निकली, लेकिन व्यू बड़ा होता। इंशाल्लाह कोशिश है कि नेक्स्ट किसी अच्छे मौसम में आए और पूरी तरह प्लान करके। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गबरू भाई को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।